कोटोड़ा टाइम्स में आपका स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ मामेर की इंदिरा कॉलोनी से बुढ़िया की ओर एक रास्ता जाता है सड़क वहाँ पर, और उस सड़क के पास मैंने देखा कि एक राजस्थान रोडवेज की जो बस है वो खड़ी थी। अब बस के बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं है क्यों खड़ी है, लेकिन जब मैंने ऑफलाइन बात की तो मुझे पता चला कि ख़राब हुई पड़ी। आइए यहाँ पर जो ड्राइवर है इस बस के, हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम? गणेश। गणेश जी, तो आप ये बस चलाते हैं? हाँ। ये बस कहाँ से कहाँ चलती है? ये उस खेड़ चलती है। खेड़ चलती है, तो ये बस यहाँ पर कितने समय से है? यह कल से खड़ी। कल से खड़ी है, तो क्या हुआ समस्या? वायरिंग जल गई। वायरिंग जल गई, तो कल से, कल कितने बजे से गाड़ी? अभी तक दूसरा प्रॉब्लम हो गया डीजल वाला, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है या पहला बार? पहली बार हुआ। पहले गाड़ी खराब तो होती है पर बहुत कम होती है। तो ये जो आपकी वायरिंग का समस्या आई कैसे? वायरिंग जल गई। वायरिंग जल गई, तो वायरिंग जलने का कारण कुछ फॉल्ट हो गया इसमें से। अच्छा, बैटरी में। तो शायद आप लोग जब आपकी जहाँ से निकलना होता होगा, जैसे खेड़ ब्रह्मा से या उदयपुर से, तब गाड़ी शायद चेक करके ही निकलते होंगे। वर्कशॉप में करते हैं। वर्कशॉप में करते हैं। खेड़ ब्रह्मा भी होती है चेक? वहाँ तो नहीं होती है, वहाँ नहीं होती है। तो आप कहाँ, उदयपुर से आ रहे थे? उदयपुर से। उदयपुर से आ रहे थे। अच्छा, तो अभी कुछ ठीक किया या नहीं किया? किया पर दूसरा प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम हो गया? दूसरा क्या प्रॉब्लम है? ये फिल्ड पंप डीजल वाला। अच्छा, तो उसका कारीगर अब आएगा? अब आएगा, कल आएगा। तो वो कहाँ से आता है? तो वो तो उदयपुर की कोई बस या कैसे है? और कल साढ़े पाँच बजे निकलेगा दूसरी रोडेज में। अच्छा, तो उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है? उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। तो या इसमें जो पब्लिक थी वो उनको दूसरी गाड़ियों में, दूसरी गाड़ी में बैठा दी जीप में। अच्छा, तो ये गाड़ी बंद पड़ी है, तो इसकी जगह पर कोई दूसरी गाड़ी रखी गई है या? दूसरी गाड़ी रखी पर लंबा पड़ता है उदयपुर से यहाँ कहाँ है। नहीं, जैसे अभी ये गाड़ी बंद पड़ गई थी तो दूसरी गाड़ी आ जाएगी। अच्छा, दूसरी गाड़ी आ जाएगी, लेकिन गाड़ियाँ बंद नहीं रहेगी, उसकी जगह पर दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी आएगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे गणेश जी, और इन्होंने बताया कि गाड़ी जो है वो कल से पड़ी हुई है, और इसीलिए पड़ी है क्योंकि जो इनका वायरिंग है वो ख़राब हो गया था, और वायरिंग के बाद पता चला कि उनका जो डीजल निकलने का ले है वो भी चल रहा है इसीलिए। तो आप बने थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटला टाइम्स में। नमस्कार।